आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सामान, ये हमने पास्ता बॉईल कर लिया है, ये वाली एक कटोरी पास्ता है और इसको हमने पानी में बॉईल कर लिया। उसमें हमने एक चम्मच ऑयल डाला और स्वाद के अनुसार नमक डाला। इसको हम बॉईल करके निकाल लेंगे। ये हमें क्रीम चाहिएगी दो चम्मच, और इसमें हमने दो टमाटर और दो तीन लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक उनको पीस लिया है, और दो तीन हरी मिर्च सबको एक साथ पीस लिया है। और इसको हमने एक बड़ा प्याज उसको छोटा 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 कट कर लिया है, और ये मसाले। अब हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। गैस ऑन कर लेंगे और उसमें थोड़ा ऑयल डाल लेंगे। दो चम्मच ऑयल काफी रहेगा। इसको गर्म होने देंगे। अब हम देखेंगे ये हल्का सा गर्म हो गया है, इसमें प्याज डाल देंगे। चम्मच से चलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज भुन रहा है। अब ये देखिए प्याज भुन गया है, बहुत लाइट ब्राउन हो गया है, ये पिंक पिंक। अब इसमें हम थोड़ा गैस धीमी कर देंगे और थोड़ी कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कलर देने के लिए थोड़ी सी। थोड़ी कश्मीरी मिर्च डालने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था अब हम इसको डाल देंगे, टमाटर का पेस्ट, और चलाते रहेंगे इसको। देखिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे, गैस को तेज कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर देने के लिए, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च थोड़ी कम ली थी, तो पेस्ट के लिए थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। अब हम इन मसालों को भून लेंगे, और इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले अच्छे से पक ना जाएं और तेल इनसे अलग ना हो जाए। अब ये देखिए मसाले भून गए हैं और तेल इनसे अलग हो गया है। ये देखिए हमारे मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी क्रीम डालेंगे, गैस धीमी कर देंगे, और जो हमने क्रीम निकाल कर रखी थी ये हमने दूध के ऊपर से जो क्रीम जम जाती उसको निकाल देंगे। अब ये देखिए दो चम्मच क्रीम है ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस क्रीम से पास्ता का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें अब हम बॉईल किए हुए पास्ता डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो गया है, और हम इसमें थोड़ा सा
विनेगर डाल देंगे, टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास्ता का कलर भी आ गया है। अब हम इसको 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे मसाले में धीमी आंच पर, ताकि मसाले अच्छे से पास्ता के अंदर समा जाएं। अब ये देखिए हमारा 2 मिनट हो गई है और हमारा पास्ता रेडी है। गैस बंद कर देंगे और गरम गरम ही बच्चों को सर्व करेंगे। घर में बनाइए पास्ता और अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे अच्छे से खुश हो जाएंगे।